नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झाबुआ ब्लास्ट में मुख्य आरोपी राजेश कासवा फरार, 1 लाख का इनाम घोषित। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावा शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोटक के फटने की घटना में शनिवार को 89 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 100 से ज्यादा घायल हो गए। यह हादसा एक इमारत में रखे विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक की वजह से हुआ था। हादसे का मुख्य आरोपी राजेश कासवा फरार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेटलावाद विस्फोट कांड के फरार आरोपी राजन कासवा की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। खनन कार्यों में प्रयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थों के कारोबारी कासवा के पेटलावाद स्थित ठिकाने पर अवैध तौर पर जमा किए गए विस्फोटक पदार्थ रखे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ था। सानिया और हिंगिस की जोड़ी यूएस ओपन चैंपियन। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रविवार को अपनी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब जीता। सानिया ने इस सत्र में लगातार दूसरा और करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्विस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसी डेल्लाक्वा और यारोस्लावा श्वेदोवा की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हरा दिया। भारतीय सेना ने ध्वस्त किया चीनी टॉवर, बढ़ा तनाव। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा में बनाए गए निगरानी टॉवर को ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि चीन की नजर इस इलाके पर है। यह इलाका काराकोरम राजमार्ग की निगरानी में भारत को लाभ पहुंचाता है। काराकोरम राजमार्ग चीन द्वारा अवैध कब्जे में लिए गए क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। भारतीय सैनिकों द्वारा टॉवर ध्वस्त करने के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।